शय नहीं करा दी जानी चाहिए थी। बहरहाल फरमाइए। दूसरी अहम चीज एक पिस्तौल है जो कमरे की दराज में रखा हुआ है। जानता था ये भी होगा, आखिर क्यों ना हो गई। मेरे अजीज, तुम लोगों को ड्रामा लिखने का शौक तो है, लेकिन ड्रामे को कोई तरक्की देने का क्यों नहीं। मैं इन चीजों से समझ गया हूँ ये तुम्हारा ड्रामा किस नौ का है। उसी नौ का ड्रामा है जिस नौ के ड्रामे में तुम पार्ट करते हो। भाई, मुझे पार्ट करने के लिए किसी नए किस्म के ड्रामे की तलाश है। टेलीफोन तो खैर मैं हजम कर लेता, लेकिन ये पिस्तौल, इसको अलग से कैसे उतारूं? इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। तुम इसे भी ड्रामे के अमल के लिए लाजमी शेयर करा दे दोगे? वाह साहब वाह। बेशक क्यों नहीं। मेरे ख्याल में जनाब आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान के हॉर मोजेस गिराने में पिस्तौल दराज में मशहूर है। गुमाने गालिब तो यही है। हाँ, तो शायद आपकी ये दराज में भी मशहूर हो। जी हाँ बिल्कुल। अगर आप मेरा पूछते हैं तो मेरे यहाँ तो मौजूद है, ये देखिए। होला वाला मत अरे मर्द आदमी, तुम्हारा इस शहर से क्या वास्ता? ये नुक्ता चीन नकादों को भगाने के वास्ते रखी है क्या? काम में नहीं लाता, लेकिन एहतियातन रख छोड़ा है। अब्बा जान फौज में थे, उस जमाने का घर में ही मौजूद है।
सच पूछते हो तो तुम्हारी इन चीजों की वजह से ड्रामे में मेरे लिए कुछ दिलचस्पी नहीं छोड़ी। क्या मतलब, नहीं सुनना चाहते ड्रामा? अजीज मत, ये जो दो रज क्या से भरे वाक्या से ड्रामे हो गया ना, मुझे ऐसे पतली सी आने लगती है। मैं चाहता हूँ कि स्टेज पर कोई रोजमर्रा की जिंदगी पेश की जाए। मगर मेरे ड्रामे में तो कोई अनोखे वाक्यात नहीं है। अनोखे वाक्यात नहीं जनाब, ये टेलीफोन पिस्तौल से बिस्मिल्लाह करके ये फरमाना चाह रहे हैं कि आपने कोई शकुंतला के बाइक चीज लिखा नहीं। मैंने तो सीधे साधे इंसानों की जिंदगी पेश की है और इसमें ड्रामे का असूल भी है। पिस्तौल जनाब ने मुलाइजा फरमा लिया, ये है तो जोर भी होगा शानी। और इस तरह आपके एक क्यामत टेलीफोन पर भी बढ़ रहा होगा। कमोबेश मेरे दोस्त, अब इन हरकतों से काम नहीं चलेगा। अब वो जमाना नहीं रहा कि लोग पिस्तौल कमर में दबाए फिरते हुए। ये जनाब का ईमान है। अरे भाई, मैं एक आम किस्म का आदमी हूँ और शमशाबाद में आम किस्म के मकान में रहता हूँ और मेरे आम किस्म के नौकर हैं और एक आम किस्म के बच्चों का बाप और एक आम किस्म की बीवी का शौहर भी। यू भी कह लीजिए। और ये बात सुनेगी तो ना जाने दिल में क्या कहेगी। क्या करे, समझ जाएगी कि मेरी मुराद क्या है। और क्या जनाब भी आम किस्म के शोहर और क्या हुए हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। हाँ यार बहुत खुश है। हाँ बिल्कुल तुम बजाहिर मुतमईन और भारी भरकम लोग किस कदर झूठे हो, अपने आप से भी झूठ बोल लेते हो। क्या कह रहे मेरे ख्याल में मैंने जो कुछ कहा है वो तुमने वाजह तौर पर सुन लिया है। बैठे बैठे यख लफ तने मतीन कैसे बन गए? अरे भाई, मुझे क्या पता था कि तुम इतने नाजुक तबीयत ठहरे हो कि हमें तुम तलक जरा सी तनकीद सुनकर सोबक उठोगे। ड्रामे की बात नहीं, ये तुम्हारी बात है। मेरी बात क्या? तुम्हारी और तुम्हारी आम किस्म की जिंदगी की। तुम उन जलील एक्टरों में से एक हो जिन्हें इस बात का जुनून रहता है कि स्टेज पर अपनी फितरत की असलियत को जाहिर करें, जो समझते हैं कि स्टेज पर चाय पी लेना और अंडा खा लेना स्टेज की मिराज है। मेरे ख्याल में जनाब के नजदीक स्टेज पर सुसरे साले का लफ्ज भी आ जाना निहायत शर्मनाक है। तुमसे बात करके उकाई आती है। आपको जो कुछ फरमाना था फरमा चुके? नहीं अभी नहीं, अभी मैं आपको इस खुद पसंदी के खोल से बाहर निकालना चाहता हूँ जिसमें जनाब दिलजमी से तशरीफ फरमा है ताकि आपकी नजर वसी हो सके। क्या अहम हो इसी बात करने लगे तुम? मर्दों की सी बात कर रहा हूँ। मैं जनाब की तरह एक आम सा मर्द नहीं हूँ और आपकी बीवी भी एक आम किस्म की औरत नहीं। बात क्या रहे हो तुम? बेशक आपको जो ड्रामे से ना वाकिफ है, आपको क्या मालूम कि मैं क्या बक रहा हूँ। पिछले 6 महीनों से एक ड्रामा आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। वाह, इन बातों से मेरी बीवी गुफर का कत होता है। जाके गौहर से दरियाफ्त कीजिए उसका मुझसे क्या ताल्लुक है। तुमसे? तुम और वो एक दूसरे को मुद्दत से जानते हो? और क्या सिर्फ जानते ही हैं? हाँ, अहमक नहीं हूं मैं। तो सुनिए, आम किस्म के मर्द औरतों को संभालने के अहल बिल्कुल नहीं होते। औरतों को उस शय की तलाश
तलाश होती है जो उनकी खून की रगों में जलतरंग की तरह फैलने लगे। जनाब इस गलत फहमी में मुब्तला है कि मेरी बीवी के लिए दोस्त से कुछ ज्यादा हसीयत रखते हैं। उसे मुझसे इश्क झूठे कमीने मेरे दोस्त वो मेरे दोस्त ये ड्रामा है क्या ये ड्रामा है। जिंदा ना बच पाए तो ये फकत निस्फ हकीकत है। बाकी निस्फ हकीकत तो ये है कि मुझे भी उससे इश्क है। ये बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कल तक तो आपको ऐसे ही मालूम हो जाना था। क्यों कर? क्योंकि हमने सोच लिया है कि कल हम भाग जाएंगे। ये रोज रोज का मिलना और जलील होटलों में मिलना इस चीजों से हम उकता चुके हैं। कमीने सुअर औसत दर्जे के होटलों में हमें अंदेशा है कि हम शनाख्त न कर लिए जाएं। मुझे इन सब बातों पर यकीन करने के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ सुनने की जरूरत है अपनी बेगम साहिबा से। सुन लीजिएगा अगर मुलाकात नसीब हो। आप गलती पर हैं। तू समझता है कि मुझे इल्म नहीं कि मेरी बीवी कहाँ है? अभी दिखा देता हूँ। अभी काबिले रहम अहमद हो तुम। जब तमाशे के दौरान आपने कहा कि मैं तमाशे के बाद आऊंगा तब आपकी बेगम यहाँ मेरे पास तशरीफ रखती थी। मेरी बीवी घर पर थी और उसने मुझे बताया था कि वो थिएटर भी नहीं आई। इसके सिवा वो आपसे और क्या कह सकती थी? देखा जनाब को तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। वो सो रही है और मैं तुझे जाके घर दिखा सकता हूँ। जी नहीं आपकी बीवी घर पर मौजूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो अब तक इस घर से रुखसत ही नहीं हुई। इस घर से वो यहाँ है? जी हाँ यहाँ है और वो उस वक्त भी यहाँ थी जब मैंने उसको फोन किया था। वो इसी घर में है? मैं इस घर का एक एक कोना देखूंगा। तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते। तुम मुझे रोकोगे? जब तक मेरे जिस्म में एक कोना का मात्रा नहीं होता तब तक ये गो जनाब का नहीं मेरे जिस्म के खून का रंग लाल है। तुम्हें जान अजीज है या नहीं? जान बहुत और गोहर गोभी कहता हूँ। अच्छा नहीं तो किसी पिस्तौल से तेरा बेचा पोश पोश कर दूंगा। तुम मेरी जान लोगे? मैं अपनी बीवी का पता करना चाहता हूँ और कोई भी शाम मुझे इससे नहीं रोक सकता। पिस्तौल रख दो और बैठ जाओ। अच्छा नहीं तो पिस्तौल संभाले रखो और बैठ जाओ। बैठ जाओ। मेज पर टेलीफोन और दराज में पिस्तौल ये दोनों चीजें ड्रामे के अमल के लिए लाजमी शायद करा दी जा सकती है। ओ हाँ तो मैं क्या पढ़ रहा था? मेरा पहला सीन सहूलत के मुताले का कमरा।
منظر کی تمام تفصیل پڑھ کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. عام طور پر جس قسم کے آراستہ کمرے ہوتے ہیں ویسا ہی ایک کمرہ ہے. لکھنے پڑھنے کی میز پر ایک ٹیلی فون دھرا ہے اور دراز میں ایک پستول رکھا ہے.